जियो का डेटा बड़ी तीव्रता से ख़त्म होता जा रहा है। इस समस्या से हमारे कई मित्रों की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। प्रेम भरी वीडियो कॉलिंग के बीच में विघ्न लग रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देखने में भय लग रहा है। तो इसीलिए हमें आप सब ने व्हाट्सएप में भरपूर संदेश भेजे थे इस समस्या का हल को लेकर। लेकिन हमारी रिसर्च बड़ी तगड़ी रहती है और आज भी मैं बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को खोलना है और उसमें ऑटो अपडेट्स ऐप के ऑप्शन को कर देना है ऑफ। जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है माई जियो ऐप को लेकर। माई जियो ऐप आपके मोबाइल को मॉनिटर करती है। तो माई जियो ऐप आपके मोबाइल को मॉनिटर करता है और ये सारा डेटा आपको बेटर सर्विसेज देने के लिए जियो हेडक्वार्टर्स में पहुंचाया जाता है ताकि आप सभी के डेटा की माइनिंग करी जा सके। हो सकता है आप सभी को लग रहा हो कि कैसी बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा असलियत में होता है। मुकेश अंबानी ने खुद कहा कि डेटा फ्यूचर है, इसीलिए यहाँ पर माई जियो ऐप को अगर आप देखें अपडेटेड वर्जन को तो यहाँ पर सारी चीज़ों को इसी में इंटीग्रेट कर दिया गया है। चाहे वो जियो सावन हो, जियो न्यूज़ हो, जियो सिनेमा हो, जियो एंगेज हो, जियो क्लाउड हो, ईजी गवर्नमेंट या फिर कोई भी जियो की ऐप्स हो, उन सबको माई जियो ऐप के अंदर कर दिया गया है इंटीग्रेट। और तो ये सारा डेटा भाई माई जियो ऐप एक तरीके से मॉनिटर कर रही है। और आप सभी को करना क्या है, माई जियो ऐप को कर देना है अनइंस्टॉल, क्योंकि इसको अनइंस्टॉल करने के बाद में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। हालांकि डेटा चेक करने में आप सभी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उसके काफ़ी सारे मेथड्स भी हैं। तो आप सभी माई जियो ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा कम यूज़ हो। और अगर आपने माई जियो ऐप अनइंस्टॉल कर दी है और फिर भी डेटा कम यूज़ नहीं हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बताएं, लेकिन ये तरीका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आप सभी की प्रॉब्लम्स इससे कुछ हल हो जाएं और आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो इस चीज़ के बाद में।